दांतों का पीलापन, मुंह से बदबू आना या फिर दांतों से खून आना, जैसी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं, क्योंकि आजकल का ऐसा खान पान है तो बच्चे या बड़े हों सबके इस तरह के समस्याएं हो जाती हैं, या फिर काफी टाइम से पान मसाला खाते हुए दांतों में जम गया है, तो आज आपके साथ मैं एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो बच्चे और बड़े सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे अदरक का टुकड़ा। अदरक का टुकड़ा हमें ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जो रेमेडी हम बनाएंगे उसमें हम एक बार के लिए ही बनाएंगे, बना करके हमें रखनी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इतना बड़ा लगभग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको जो भी ऊपर का छिलका है वो हमें उतार देना है, और इस तरह से हम अच्छे से उतारेंगे ताकि हमें, क्योंकि इसे ग्रेट भी करना है, आप चाहो तो ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर सकते हो या सिलबट्टे की मदद से इसका जूस भी निकाल सकते हो। तो आपको जैसा सही लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हो, क्योंकि मेन हमें इसके जूस की ज़रूरत है। तो मैं इस ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेती हूँ। अब जो भी ये निकला है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद इसके अंदर हमें मिला लेना है। थोड़ा सा नमक इसमें हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा नमक करना है ऐड इसमें। ये देखिए ज़रा सा नमक ले लेना है और इसमें हम नमक डालेंगे। इसके बाद हमें ले लेना है नींबू। नींबू भी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा नींबू पड़ जाएगा तो हमारे दांत खट्टे हो जाएंगे। तो हमारे दांत भी खट्टे नहीं होने चाहिए, बस हमें हमारी रेमेडी तैयार होनी चाहिए। अब हम इन तीनों चीज़ों को पहले मिलाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे टूथपेस्ट। आपका टूथपेस्ट किसी भी ब्रांड का हो, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है या फिर लिक्विड, जैसा भी आपको समझ आता है, आप जो भी यूज करते हैं वो आपको पेस्ट ले लेना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ टाइम के लिए मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब इस तरह से मिक्स करने के बाद हम ले लेंगे अपनी टूथब्रश। तो टूथब्रश की मदद से हम अपने दांतों में हल्के हाथों से हमें से ब्रश करना है। अगर आपको दांतों में कोई समस्या है, कोई दर्द होता है ब्रश करने से, तो आप ब्रश की मदद से ना करके आप उंगली किससे भी इसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ब्रश की मदद से करके दिखाती हूँ। तो किस तरह से करना है सारी डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखनी है। तो इस तरह से पहले सामने वाले दांतों में करेंगे, फिर साइड वाले दांतों में करेंगे, फिर मुंह खोल करके अंदर की तरफ भी करेंगे। इस तरह से आगे के दांतों में घुमाते हुए करेंगे, क्योंकि अंदर जो भी पार्टिकल जमा हो जाते हैं वो हमारे इसमें निकल आने चाहिए। इस तरह से मुंह खोलने के बाद पूरे मुंह में इस तरह से घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस तरह से हमको पूरे मुंह में इस तरह से करना है, चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग ही इसे कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी इसे कर सकते हैं। तो अगर आपके दांतों में कोई समस्या है तो आप इस तरह से उंगली की मदद से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं उंगली की मदद से भी करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आजकल खान पान ऐसा है कि 10-12 साल के बच्चे जो भी होते हैं उनके दांतों में भी इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, बस हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते जाना है। क्योंकि अगर ब्रश आपको करने को मना है तभी आप इस तरह से उंगली की मदद से आपको करना है, नहीं तो आप ब्रश की मदद से करना है आपको, क्योंकि अंदर जो भी पार्टिकल जमा है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार में ही फर्क दिखने लगेगा। इस तरह से आपको दिन में एक बार तो करना ही करना है, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जरूर करिएगा। आप जैसे कुछ लोगों के मुंह से बदबू आती है, किसी के सामने उठते बैठते हैं या फिर बात करते हैं, या कभी कभार हम प्याज वगैरह खा लेते हैं तब भी बैड स्मेल आने लगती है, तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब पानी बॉयल होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ की डालेंगे। तो पानी बॉयल हो रहा है, अब यहाँ पर हम सौंफ डाल देते हैं। सौंफ डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम बॉयल करेंगे ताकि सौंफ की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें निकल के आ जाए।
चलिए पर मैं डाल देती हूँ, और डालने के बाद इस तरह से मैंने हिला दिया है ताकि जो भी सौंफ है बराबर हो जाए और अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसका जो भी रस है वो भी अर्क है वो भी उतर कर आ जाए। अब यहाँ पर हम डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और नींबू का रस डालने के बाद फिर इस तरह से हम इसे हिला देंगे। हिलाने के बाद हम कुछ टाइम के लिए इसको रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। गरम गरम यूज नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना यूज कर सकते हो लेकिन गरम यूज नहीं करना है। और ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए ये पानी जो भी है ये इतना हुआ है। अब इसको हम इस पानी से हम कुल्ला करेंगे तो जो भी हमारे मुंह में बैड स्मेल है वो निकल जाएगी, हम तरो और ताज़ा महसूस करने लगेंगे। तो इस तरह से आपको सारी क्रियाएं करनी है तो आप अच्छे से अपने दांतों को क्लीन रख सकते हैं और बैड स्मेल से भी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।